नमस्कार, मैं हूं विभोर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के सामने एक फरमान जारी किया है। पीसीबी ने साफ तौर पर खिलाड़ियों को कह दिया है कि वो वर्ल्ड कप के दौरान अपने पत्नी और या अपने परिवार को साथ में नहीं रख सकते, और यदि अगर वो उनके साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले के पीछे अपनी मंशा भी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ये फैसला इसलिए लिए हैं ताकि खिलाड़ियों का ध्यान उनके खेल से ना भटके और वो अपने खेल पर पूरा फोकस कर सकें। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरिस सोहेल को व्यक्तिगत कारणों की वजह से उन्हें अपने परिवार को साथ में रखने की इजाज़त दी है। आपको बता दें कि पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज के दौरान ही इस फैसले से अवगत करा दिया था। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने परिवार को साथ में रखने की इजाज़त थी, लेकिन अब खिलाड़ी अपने परिवार को साथ में नहीं रख सकते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 31 मई को नॉटिंघम में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच के साथ करेगा। वैसे सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, बीसीसीआई ने भी परिवार को लेकर अपने खिलाड़ियों के साथ कुछ सख्ती दिखाई है। बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले ही अपने खिलाड़ियों के सामने ये साफ फरमान जारी किया था कि खिलाड़ियों का परिवार वर्ल्ड कप शुरू होने से 21 दिन तक नहीं जा सकेगा। हालांकि 21 दिन बाद खिलाड़ी अपने परिवार को इंग्लैंड बुला सकते हैं और अपने साथ ठहरा सकते हैं। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि बोर्ड के इस फैसले का खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।